सरदार हम इसे बलि के लिए लेकर आए। एक काम करो, इसे अग्नियों के बीच में ले जाकर पाल दो। आज अग्नि देवता को बलि चढ़ाएंगे। Don't do this, please. Please, मत करो। माई तो लेने का लेके जा रहा है। अरे कोई कोई अरे बचाओ। अरे बेटा शिवाय। हे भगवान, अम्मा हमने तो उस दागने के साए को शीशी में कैद करके भूगर्भ में बंद कर दिया था, फिर ये सब कैसे हो गया? वो दामनी को कैसे ले जा सकती है ऐसे? हो रहा है तो सारा काम मैजिक से ही होगा। आप तो अबे ये कहाँ है? बैटमैन कहाँ गायब हो गया? क्या कर रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ब्रेसलेट है, आप इसे पहन के रखेंगे तो ये जो ब्रेसलेट हमें बताता रहेगा आप कहाँ पर है और कैसे है। तो ब्रेसलेट दिए थे हम दामिनी टीचर को, ब्रेसलेट से पता लगा सकते कहाँ गए। बैटमैन हमसे बच ना पाओगे तुम। मैं जानती थी मैं शिवाय से शादी करके दामिनी पर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी, इसलिए मैंने अच्छा किया, दामिनी को मंडप से हटा दिया। लेकिन अब इस चमगादड़ के चंगुल से मैं कैसे निकलूं, कैसे बचाऊं खुद को? क्या करूं मैं? तुझे क्या लगा था तू मेरे शिवाय को इतनी आसानी से छीन लेगी? इस जन्म में भी बेवकूफी थी तेरी। अब मेरा ये चमगादड़ तुझे पहाड़ पे कहीं इतनी दूर ले जाकर फेंकेगा कि तेरा नामो निशान तक नहीं मिलेगा। और फिर शिवाय और मैं एक साथ, और हम दोनों की जिंदगी से तेरे नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका होगा। गलती तो तुम लोगों ने भी की थी ना, सजा तो मिलेगी। पर ये सजा मैं तुम लोगों को नहीं दूंगी, बल्कि तुम लोग आपस में खुद को दोगे, एक दूसरे को मार के। मारो! चलिए बैटमैन कहाँ गया?
ब्रेसलेट का लोकेशन तो यही कहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब डायमंड टीचर और बैटमैन इधर ही कहीं होंगे। कहाँ है? लगा भाई आग में है पीछे। हे भगवान, आसमान से टपकिंग, पेड़ पे अटकिंग। टीचर, हे भैया, पीछे पीछे गिर गई, पता नहीं क्या हाल होगा उनका। चल शिवाय, चल के देख। मेरे साथ दामिनी टीचर, दामिनी टीचर, अरे यही गई तो गिरी थी दामिनी टीचर, फिर कहां गई? कहीं डेड तो नहीं हो गई? नहीं 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 नहीं, दामिनी टीचर, नंदिनी। हाँ अम्मा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो डाकिनी भूगर्भ से बाहर निकली कि नहीं? अम्मा, एक तरीका है हमारे पास। कल हमने ना भूगर्भ पर एक मायावी परत बिछा दी थी, जिससे कि अगर कोई भी भूगर्भ के अंदर जाए या बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा। एक मिनट, देखते हैं उसको। तू बेटा तब तक खोलिए। ये क्या है? क्या हुआ माँ, बोलो ना। नंदिनी, इसका क्या मतलब है? अम्मा, इसका मतलब है कि डाकनी बाहर नहीं निकली है? ये परत तो बिल्कुल वैसे ही है। बेटा बंद कर दे इसको। नंदिनी। हाँ अम्मा। अगर डाकनी का साया इसमें बंद है तो फिर वो किसका साया था जो उसे ले गया?
अरे दामिनी, तुम वापस आ गए, हम ना बहुत डर गए थे। बेटा, भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत वापस आ गई। तुम ठीक ठाक हो ना बच्चा? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं, वो पता नहीं क्या कहां से वो एकदम से चमगादड़ आ गया और उठा कर ले गया, और उसने कुछ दूर जाकर मुझे फेंक दिया। मैं ठीक हूँ। सिप्रा, चमगादड़ तो पार्वती को उठा के ले गया था ना, और दामिनी को तो हम लोग ने उसके घर पहुंचा दिया था, तो फिर इसे कैसे पता कि चमगादड़ पार्वती को उड़ा के ले गया है? जी, शिवाय का है, उसे बुलाइए ना, शादी की रस्में पूरी करते हैं। बेटा, वो तो तुम्हारे पीछे गया था ना तुम्हें बचाने के लिए, पर तुम तो आ गई, और शिवाय अभी तक आया कहाँ है? कहाँ है शिवाय? वो शिवाय उस पार्वती के पीछे कैसे गया? उसने तो मुझे तावीज पहनाया था ना, उसे तो पता चल जाना चाहिए था कि वो मैं नहीं हूं। ये क्या लगता है, वो तावीज कहीं गिर गया? इसके पहले कि शिवाय पार्वती के पीछे काली पहाड़ी पहुंचे, मुझे वहां पहुंचकर उसे खत्म करना होगा। मैं शिवाय को ढूंढ कर आती हूँ जल्दी। हाँ, मैं नहीं, आती नहीं, बेटा सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? शिवाय आ जाएगा। देखो, वैसे ही तुम्हारे ऊपर से खतरा इतनी मुश्किल से टला है, वापिस खतरा आ गया तो? बेटा, अम्मा बिल्कुल सही कह रही है, अभी ना आप कहीं मत जाओ। टीचर, दामिनी टीचर। हे भगवान, इतने बड़े बड़े ट्रीज, ना जाने दामिनी टीचर कौन से ट्री में फॉल की होंगी, कहीं चोट ना लग गई हो उन्हें। देखते कहा। आगे का लोकेशन दिखा रहा हमें, बड़े अजीब बात है, तेरा लोकेशन तो यहीं के बता रहा है, फिर दामिनी टीचर दिखाई का नहीं दे रही हमें। टीचर, टीचर, ये तो वही ब्रेसलेट जो तारों टीचर को पहनाया था हमने, ये तो यहाँ गिरा मिला हमें। तामे टीचर कहाँ है? कहीं उन्हें कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, तामे टीचर, टीचर प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ? प्लीज मुझे घर जाना है, छोड़ो मुझे घर जाना है, प्लीज छोड़ दो, छोड़ो मुझे घर जाने जाने दो, मुझे छोड़ो। सरदार, हम इसे बलि के लिए लेकर आए। वाह, कमाल कर दिया तुमने। पर ये तो शादी के जोड़े में। सरदार, इसकी मांग में सिंदूर नहीं है, लगता है शादी से भाग के आई है। बहुत सही समय पर भागी, और वैसे भी हम बलि कुमारी लड़कियों को चाहते। एक काम करो, इसे अग्नियों के बीच में ले जाकर बांध दो, आज अग्नि देवता को बलि चढ़ाएंगे। जी सरदार। प्लीज 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 ऐसा मत करो, तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं छोड़ो मुझे। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या क्या कर रहे हो? प्लीज मेरी,
ये क्या? सामने टीचर, टीचर ये क्या कर रहे हो? ये गलत है, ये this is wrong. Don't do this, please, मत करो, मत करो. Please, नहीं करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ. यही सोच रहे होंगे ना कि पार्वती नागिन क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि यह मुक्तिवन का कबीला है. इस कबीले के अंदर कोई भी भारी शक्ति काम नहीं करती, इसलिए यहाँ ना तो पार्वती की शक्तियाँ काम करेंगी और ना ही शिवाय का मैजिक. इस कबीले को यह वरदान मिला है और इसे बनाए रखने के लिए इन्हें समय समय पर अपने देश को बलि चढ़ानी पड़ती है. सामने टीचर, सामने टीचर. हे भगवान, कहाँ चलेगी टीचर? सामने टीचर, मेरी मदद करो. माँ, माँ, माँ के पास जा, मुझे जाने दो प्लीज. ऐसा माँ, माँ. पता था कि वो छोटी सी मासूम सी बुलबुल आज भी इस घर में कैद है. अरे चुप हो जाओ सब, बंद करो, बंद करो, आग बुझाओ जल्दी. ये लड़की शादीशुदा है, बंद करो, ये सब इसकी एक बच्ची भी है. बंद करो, पानी डालो, इसको बचाओ. दिमाग खराब हो गया है सबको. तुम्हारी वजह से भयानक पाप लग सकता है अगर ये औरत मर गई तो. तुम लोग शायद ये बात भूल गए हो कि सिर्फ कवारी लड़की की ही बलि दी जा सकती है. और ये सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक लड़की की माँ भी है. लेकिन हुकुम माँ, हमें तो इसे देखकर लगा ही नहीं था कि लड़की शादीशुदा है. हमें तो लगा था वो अपने शादी के मंडप से भाग कर आई है. और फिर उसके गले में ना तो मंगलसूत्र है और ना मांग में सिंदूर. अरे आजकल शहरों में औरतों का रहन सहन ही ऐसा हो गया है. तुम यहाँ लाने से पहले पूछ नहीं सकते थे? अभी आज अगर उसकी बलि चढ़ जाती तो हमारे कबीले को श्राप लग जाता. उठो,
बेटा उठो, आराम से ठीक हो तुम? कैसे जाऊं मैं शिवाय के पास? मिल गया तरीका। अगर तुम सचमुच पति पत्नी हो तो तुम्हारी अधूरी शादी यहाँ सबके सामने पूरी होगी। मुझे पार्वती और शिवाय के पास लेकर चलो। आग कैसे लग गई? अरे अब अभी छोड़ दो। आग अचानक से भड़क कैसे गई और ये बढ़ती जा रही है? हमारी अपने पक्की से जाइए। अरे कोई फायर ब्रिगेड को फोन तो करो। अरे फोन करो जल्दी से। अगर तुम सचमुच पति पत्नी हो तो तुम्हारी अधूरी शादी यहाँ सबके सामने पूरी होगी। मुझे पार्वती और शिवाय के पास लेकर चलो। लड़की, क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारी बच्ची है? जवाब दो। नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूं। अगर तुम सचमुच पति पत्नी हो तो तुम्हारी अधूरी शादी यहाँ सबके सामने पूरी होगी। मुझे पार्वती और शिवाय के पास लेकर चलो। अगर तुम सचमुच पति पत्नी हो तो तुम्हारी अधूरी शादी यहाँ सबके सामने पूरी होगी। मुझे पार्वती और शिवाय के पास लेकर चलो।